वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। इससे पहले होम टेप और इंसर्ट टेप के बारे में आप लोगों को बताया गया है, चलिए आज डिजाइन टेप के बारे में बताते हैं। ये जितनी भी स्लाइड है ये सारे की यहाँ पे डिजाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सारे भी बहुत डिजाइन, आप जिस डिजाइन पे रखेंगे कर्सर वो अपना प्रीव्यू भी दिखाते जाएगा। आपको जो भी डिजाइन पसंद हो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो डिजाइन सारे स्लाइड में अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड के वेरिएंट देखिए, एक स्लाइड के चार वेरिएंट दिए हुए हैं। ये चार वेरिएंट है, इसमें से आप जो भी कलर चूज करना चाहते हैं उस पर कर्सर रखेंगे वो कलर आ जाएगा, फिर चाहे तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो कलर आपका बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी स्लाइड थे इसमें से सभी इतने तरह के देख लीजिए स्लाइड है, इसमें से आप ब्राउज थीम भी कर सकते हैं इंटरनेट से, और सेव करेंट थीम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी ऑफलाइन है, ये सिस्टम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक स्लाइड के चार कलर के वेरिएंट दिए हुए हैं, इस पर क्लिक करें पहले, और उसके बाद आपको जो भी सही कलर लगे उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्लाइड का साइज, आप स्लाइड का साइज भी अपने से सेट कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड साइज 4:3 है, वाइड स्क्रीन जो है 16:9 है, और चाहे तो आप यहाँ कस्टम साइज में जाके आप अपने आवश्यकता अनुसार भी साइज को सेट कर सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन भी अराइज किया जाता है कि एमएस पावर पॉइंट का जो होता है पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो एमएस पावर पॉइंट का पेज ओरिएंटेशन हमेशा लैंडस्केप होता है, बाकी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस ये सभी का पेज ओरिएंटेशन जो होता है बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे, एमएस पावर पॉइंट का जो होता है पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। चलिए यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये पेज के आप डिज़ाइन यहाँ पे देख चुके हैं, इस डिज़ाइन के अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हमें अपनी आवश्यकता अनुसार कलर रखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड है, यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सॉलिड कलर है, जो भी कलर यहाँ पे आपको दिखेगा चूज किया हुआ वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। आप चाहे तो अपने आवश्यकता अनुसार सारे कलर को देख सकते हैं। अगर आपको इस कलर में भी लगे कि आपको और कलर चाहिए तो आप यहाँ मोर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही मोर कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे कलर वेरिएंट देख सकते हैं, आप जो कलर यहाँ सिलेक्ट करेंगे वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। आप अपने कलर को ट्रांसपेरेंट या डीप जो करना चाहे यहाँ से स्क्रॉल करके उसको कर सकते हैं। अगर आपको ये करना है स्क्रॉल करके किया यहाँ पे तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, अब देखिए ये कलर यहाँ पे फिल हो गया। ये आपको बहुत सारे वेरिएंट प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद आप फिर चाहते हैं कि भाई हमको प्रीव्यू के साथ दिखे तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे जितना अच्छा ट्रांसपेरेंट डालेंगे आप वहाँ पे उतनी अच्छी आपकी कलर, आप अपने आवश्यकता अनुसार कलर एडजस्ट कर सकते हैं। और एक होता है ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेडियंट डाला हुआ है इस फॉर्मेट के ये सारे आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे लाइनर, रेडियल, रेक्टेंगुलर, जिस टाइप का चाहेंगे। देखिए इधर एक लाइट मार दिया, इधर डीप है, तो आप यहाँ से कलर को बैलेंस भी कर सकते हैं। एक है पिक्चर, आप यहाँ के पीछे चाहे तो आप इसको पिक्चर और टेक्सचर भी डाल सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट सोर्स के अनुसार क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अभी ऑफलाइन है ये, ऑनलाइन रहेगा तो यहाँ से ऑनलाइन क्लिक करके भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और एक पैटर्न फिल है, यहाँ से आप पैटर्न बना सकते हैं पीछे का, इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों कलर भी दे सकते हैं। पैटर्न बनाते समय मान लीजिए मैंने एक कलर रेड चूज कर लिया, एक मान लीजिए मैंने कलर येलो चूज कर लिया, तो देखिए बहुत सारे पैटर्न बन गए, आप ये सब में से कोई भी पैटर्न आप फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप इस पर कोई भी स्लाइड अपने तरह से डिजाइन कर सकते हैं। जनरली आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे आप इतने सारे स्लाइड को बना सकते हैं, लेकिन एमएस पावर पॉइंट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इतने तरह के स्लाइड बना सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, थीम ब्लॉक किस टैब के अंतर्गत आते हैं? डिजाइन टैब के अंतर्गत, डिजाइन टैब के अंतर्गत थीम्स आ जाते हैं, उसके वेरिएंट्स आ जाते हैं, कस्टमाइज आ जाते हैं, कस्टमाइज में फॉर्मेट बैकग्राउंड है और पेज ओरिएंटेशन यानी कि पेपर का साइज है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।